सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष सोनी, प्रवक्ता वाणिज्य, बीडी बाजेवर इंटर कॉलेज सहारनपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्रकार का प्रतिलिपिकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ होता है, उसके बाद प्रतिलिपिकरण के क्या उद्देश्य है, यानी प्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है, आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या गुण होने चाहिए, और अंत में प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में हम बच्चों बात करेंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि आप पहले से क्या जानते हैं। बच्चों आप जानते हैं व्यापारिक कार्यालय किसे कहते हैं। बच्चों व्यापारिक कार्यालय किसी भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों यह वह स्थान होता है जहां पर व्यापार से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण लेख एवं प्रलेख रखे जाते हैं। बच्चों यह वह स्थान होता है जहां से व्यापार की नीतियां बनाई जाती हैं और यहीं से व्यापार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। व्यापार से संबंधित हर प्रकार का पत्राचार व्यापारिक कार्यालय से ही किया जाता है। इसके बाद बच्चों ने पढ़ा व्यापारिक कार्यालय में कौन कौन से विभाग होते हैं। बच्चों प्रत्येक व्यापारिक कार्यालय में क्रय विभाग, विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग, लेखा विभाग, अंकेक्षण विभाग, पत्राचार विभाग इत्यादि विभिन्न विभाग होते हैं। इसके बाद बच्चों ने पढ़ा है कि व्यापार में जो पत्र आते हैं उनके संबंध में हम क्या कार्यवाही करते हैं, और व्यापार से जो बाहर पत्र जाते हैं उनके संबंध में हम क्या कार्यवाही करते हैं। तो आइए बच्चों इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि प्रतिलिपिकरण क्या हो। बच्चों आप सब जानते हैं कि व्यापार में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं और व्यापार से बाहर अनेक पत्र जाते हैं। बच्चों जितने भी पत्र व्यापार में आते हैं ये तो व्यापार में सुरक्षित रहते हैं, हमें जब कभी भी आवश्यकता पड़े हम उन पत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों लेकिन जितने भी पत्र व्यापार से बाहर जाते हैं भविष्य में हमें उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चों हम क्या करते हैं कि जितने भी पत्र व्यापार से बाहर जा रहे हैं उनकी प्रतिलिपि को व्यापार में सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी पत्र व्यापार से बाहर जा रहे हैं हम उनके पत्रों की प्रतिलिपि को, उन पत्रों की नकल को व्यापार में सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे भविष्य में जब कभी भी हमें आवश्यकता हो हम उन प्रतिलिपि का प्रयोग कर पाए। तो बच्चों इस प्रकार से व्यापार से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि को व्यापार में सुरक्षित करने को प्रतिलिपिकरण कहते हैं। जैसे एक बात समझ लेते हैं बच्चों, व्यापार से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि को, कॉपी को अगर हम व्यापार में सुरक्षित रखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिलिपिकरण। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि प्रतिलिपिकरण के क्या उद्देश्य है एवं इसके क्या लाभ है, यानी कि प्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है विक्रय की शर्तों का पालन। बच्चों हम सब जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस डील होती है, जब भी कोई व्यापारिक डील होती है तो क्रेता और विक्रेता के मध्य कुछ शर्त लिखी जाती है। इन शर्तों का पालन करना विक्रेता तथा क्रेता दोनों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अगर पत्र की प्रतिलिपि सुरक्षित रखी है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि क्या क्या शर्तों की बात हुई थी। भविष्य के संदर्भ के लिए बच्चों अगर हम भविष्य में कोई भी नया पत्र लिखते हैं तो हम पुराने पत्र का संदर्भ हम लेते हैं कि पुराने पत्र में क्या बातचीत की गई थी। बच्चों भविष्य के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए भी हम अपने मूल पत्र की प्रतिलिपि को अपने व्यापार में सुरक्षित रखते हैं। मतभेदों बच्चों कई क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य कुछ बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों क्रेता और विक्रेता के मध्य माल के मूल्य को लेकर मतभेद होते हैं। बच्चों इस बात का या इस मतभेद का निपटारा कैसे किया जाए, अगर विक्रेता के पास क्रेता को भेजे गए
पत्र की प्रतिलिपि सुरक्षित है तो जो उस पत्र को दिखाकर उस प्रतिलिपि को दिखाकर उस मतभेद का निपटारा कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्रेताओं और विक्रेता के मध्य मतभेदों का निपटारा करने के लिए भी हमें पत्रों की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है। लिखित प्रमाण, बच्चों कई बार ये जो मतभेद है ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, बात न्यायालय तक पहुंच जाती है, ऐसा होने पर मैं किसी ना किसी सबूत की तो आवश्यकता होगी। तो बच्चों जो मूल पत्र की प्रतिलिपि हमारे पास सुरक्षित रखी है वह न्यायालय में प्रमाण के रूप में काम आती है और हम इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। मूल्यों की सूचना, बच्चों आप मान के चलिएगा कि किसी ग्राहक ने हमें माल का आदेश दिया या किसी ग्राहक ने हमें माल के लिए पूछताछ का पत्र दिया। अब बच्चों हम उसके पूछताछ के पत्र के उत्तर में उसको माल के मूल्य की सूचना देंगे, हम उसे बताएंगे हमारे पास क्या क्या माल है और उनका मूल्य क्या है। उसके बाद ग्राहक से हमें माल का आदेश प्राप्त होगा और माल का आदेश प्राप्त होने के बाद हम ग्राहक को माल भेजेंगे और साथ के साथ हम उसे बिल बनाकर भेजेंगे कि इस माल का कुल मूल्य कितने रुपए का है। अब बच्चों जो बिल बनाया जाएगा उस पर जो मूल्य आएंगे बच्चों वही आएंगे जो उसके पूछताछ के पत्र के उत्तर में हमने उसको बताए थे। अब ऐसा क्या मूल्य हमने अपने ग्राहक को बताए थे इसकी सूचना भी, इसकी सूचना की जानकारी के लिए भी हम मूल पत्र की प्रतिलिपि को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। प्राप्त किए गए माल की जांच, बच्चों मान के चलिएगा कि हमने किसी विक्रेता किसी व्यापारी को माल का आदेश दिया। ठीक है बच्चों, जब हमने माल का आदेश दिया तो हमने उसमें लिखा होगा कि हमें कितना कौन सा माल चाहिए। अब वहां से माल आता है, वहां से माल आने के बाद हम उस माल की जांच करते हैं। माल की जांच बच्चों उसी पत्र से की जाएगी कि हमने कितने माल का आदेश दिया था और हमें कौन कितना माल प्राप्त हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल कम है। ठीक है बच्चों, तो माल की जांच के लिए भी हमें मूल पत्र की प्रतिलिपि को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है नया पत्र। बच्चों जब भी हम अपने किसी ग्राहक को कोई नया पत्र लिखते हैं तो पुराने पत्र का संदर्भ भी लेते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हमें अपने किसी ग्राहक से काफी लंबे समय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो हम उसे पुराने पत्र का हवाला देते हुए एक नया पत्र लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह है प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य एवं लाभ। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं एक आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छी प्रतिलिपिकरण में क्या क्या गुण क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला बच्चों पॉइंट है सरल, सरलता। एक आदर्श प्रतिलिपिकरण में सरलता का गुण होना चाहिए, यानी हमें किसी भी पत्र की अगर कॉपी करनी है किसी भी पत्र की प्रतिलिपि लेनी है तो बच्चों को आसानी से निकाली जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, हमारी जो प्रतिलिपि हो वह स्वच्छ एवं स्पष्ट हो। अल्प समय लगना, बच्चों प्रतिलिपि करने में जो दूसरा गुण होना चाहिए वह होना चाहिए अल्प समय का, यानी कि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा नहीं लगना चाहिए, हमारे मूल पत्र की प्रतिलिपि बहुत कम समय में उपलब्ध हो जानी चाहिए। मित्रता, एक पत्र की प्रतिलिपि लेना हमें सस्ता पड़ना चाहिए, महंगा नहीं पड़ना चाहिए। सत्य प्रतिलिपि, बच्चों जो भी हम पत्र की प्रतिलिपि ले रहे हैं वह बच्चों बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और मूल पत्र की एक रूप होनी चाहिए। बच्चों क्योंकि अगर पत्र की प्रतिलिपि बिल्कुल मूल पत्र की एक रूप होगी तभी वह न्यायालय में मान्य होगी। ठीक है बच्चों, अच्छी प्रतिलिपिकरण के द्वारा ली गई प्रति बिल्कुल स्पष्ट एवं मूल पत्र की हूबहू कॉपी होनी चाहिए। गोपनीयता, बच्चों एक अच्छी प्रतिलिपिकरण में गोपनीयता का गुण होना चाहिए कि हमारे व्यापार की गोपनीय बातें बाहर ना जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां क्या क्या। तो बच्चों प्रतिलिपिकरण की मुख्य विधियां है हाथ द्वारा प्रतिलिपि, दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि, कार्बन द्वारा प्रतिलिपि,
रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि और अंत में फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि। इन पांचों विधियों को बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहला तरीका है प्रतिलिपि लेने का हाथ द्वारा प्रतिलिपि। बच्चों यह एक बहुत ही पुराना और एक सस्ता तरीका है। बच्चों जब प्रतिलिपि लेने की आज की विधियां उपलब्ध नहीं थी तो बच्चों हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेना उस समय चला करता था, यानी कि पुराने समय में जो प्रतिलिपि ली जाती थी वो हाथ द्वारा ली जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके बारे में बताता हूं कि जो मूल पत्र होता है उसको देखकर हम बिल्कुल उसकी हूबहू एक और कॉपी अपने हाथ से लिखते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिएगा, मूल पत्र को देखकर एक और प्रतिलिपि हम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यह बहुत ही पुराना तरीका है। इस तरीके से प्रतिलिपि लेने में बहुत अधिक समय और बहुत अधिक श्रम लगता है। तो बच्चों कहीं बार इस बात का भी डर बना रहता है कि कोई बात प्रतिलिपि में छूट ना जाए। आज के समय में बच्चों इस तरीके का इस्तेमाल लगभग लगभग ना के बराबर होता है। आज के डेट में बहुत छोटे व्यापारी इस तरीके का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य कारण बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर हमें ज्यादा कॉपीज लेनी हो तो डेफिनेटली हम इस मेथड का प्रयोग नहीं करें। इसके बाद बच्चों दूसरा तरीका आता है दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि। बच्चों यह भी बच्चों यह एक पुराना और बच्चों बहुत ही घटिया किस्म का तरीका है, यानी आज के समय में बच्चों इस तरीके का हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी बच्चों हम देखते हैं कि हम दाब यंत्र के द्वारा प्रतिलिपि कैसे लेते हैं। बच्चों जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि दाब यंत्र में लोहे के दो मोटे मोटे पार्ट लगे होते हैं, इसके बीच में कागजों को दबा कर रखा। बच्चों दाब यंत्र में लोहे के दो मोटे मोटे पार्ट लगे होते हैं जिसके बीच में कागज को दबा के रखा जाता है और यहां से बच्चों प्रतिलिपि ली जाती है। इसके ऊपर एक चूड़ीदार हट्टा हत्ता लगा होता है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड घुमाकर उठा सकते हैं और राइट हैंड साइड घुमाकर इसको बच्चों नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो इस हत्ते का प्रयोग इस पार्ट को ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं कि दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि हम कैसे लेते हैं। बच्चों दाब यंत्र द्वारा हम हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि ले सकते हैं और टाइप किए गए पत्र की भी प्रतिलिपि ले सकते हैं। दोनों को बच्चों एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि हम कैसे लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम मूल पत्र को कॉपिंग स्याही से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जो मूल पत्र है सबसे पहले हम उसको कॉपिंग स्याही से लिखते हैं। अब मान लो आपको रजिस्टर के 25वें प्रश्न नकल लेंगे, तो सबसे पहले रजिस्टर का 25वां प्रश्न निकालकर उसको 24वें प्रश्न की पीठ पर एक तेल पत्र रख देते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको 25वें प्रश्न नकल लेनी है तो आप रजिस्टर का 25वां प्रश्न निकालकर उसको 24वें प्रश्न की पीठ पर एक तेल पत्र रख देते हैं और फिर 25वें प्रश्न को दूसरे थोड़ा थोड़ा गीला और बाद में स्याही सोख रख देते हैं तथा एक तेल पत्र को 25वें प्रश्न के बाद ऊपर रख देते हैं। अब स्याही सोख का बच्चों अभिप्राय यह है कि आवश्यक नमी को सोख लेता है और तेल पर तकने का अभिप्राय यह है कि दूसरे प्रश्न को खराब नहीं होने देता। ठीक है बच्चों, अब रजिस्टर को एक मिनट के दाब यंत्र में रख। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाता हूं कि दाब यंत्र यहां पर बच्चों रजिस्टर को दबाकर रख देते, उसके बाद स्याही सोख निकालकर उसके स्थान पर मूल पत्र रखकर एक मिनट के लिए दाब यंत्र को फिर से कस देते हैं। इसके बाद बच्चों हमारी प्रतिलिपि तैयार। लेकिन बच्चों जो प्रतिलिपि आई है वह उल्टी आई है और अगर हम इसको दूसरी साइड से पढ़े तो हमको प्रतिलिपि बच्चों साफ नजर आएगी। अब इसका जो मुख्य कारण है वह है बच्चों कागज का। तो बच्चों इस तरीके से हम हाथ से लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि ले सकते। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि टाइप किए हुए पत्र की प्रतिलिपि हम कैसे ले सकते हैं। बच्चों जैसे हमने हाथ
हाथ वाले पत्र की दाबी हमसे प्रतिलिपि ली है उसी तरह से टाइप किए गए पत्र की प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। बस फर्क यहां पर यह है कि जो मूल पत्र है वह कोपिंग रिबन लगाकर टाइप हुआ होना चाहिए, यानी हम टाइपराइटर की मदद से पहले मूल पत्र लिखते हैं और उसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार से दाब यंत्र का प्रयोग करते हुए जैसे हमने हाथ द्वारा पत्र की प्रतिलिपि ली है बिल्कुल उसी प्रकार से टाइप किए गए पत्र की प्रतिलिपि भी हम ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों का अगला तरीका है कार्बन कागज द्वारा प्रतिलिपि। बच्चों कहीं ना कहीं आपने भी अपनी दिनचर्या में कभी ना कभी कार्बन द्वारा प्रतिलिपि कैसे देते हैं कहीं ना कहीं आप देखा वो चाहिए देखते हैं। बच्चों दाबयंत्र द्वारा नकल लेने में बहुत अधिक समय और बहुत अधिक श्रम का अपव्यय हो जाता है, अतः इन दोषों को दूर करने के लिए कार्बन द्वारा प्रतिलिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है बच्चों, जो अभी भी हमने पढ़ा कि दाबयंत्र द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं बहुत अधिक टाइम लगता है, बहुत अधिक श्रम लग जाता है, इसी वजह से कार्बन द्वारा प्रतिलिपि लेने का आविष्कार। आज के समय में छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी दोनों इस तरीके का प्रयोग करते हैं। बच्चों इस तरीके से हम हाथ से लिखकर हाथ से लिखे गए कार्बन हाथ से लिखकर भी प्रतिलिपि ले सकते हैं और टाइप मशीन का प्रयोग करके भी हम प्रतिलिपि ले सकते हैं। आइए बच्चों दोनों को एक एक बार पढ़ते हैं कि हम हाथ द्वारा कार्बन कागज का इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रतिलिपि ले सकते हैं और टाइप मशीन का प्रयोग करके हम कैसे प्रतिलिपि ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप चित्र में देखिएगा, आपको दिखाई देगा बच्चों एक मूल पत्र एक पत्र लिखा है, उसके नीचे एक कार्बन पेपर रखा है और उसके नीचे एक और पेपर रखा है। तो बच्चों अगर हम कार्बन कागज की तरफ द्वारा प्रतिलिपि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक पत्र लिखते हैं, उसके नीचे हम कार्बन पेपर रखते हैं और ये बच्चों जो कार्बन पेपर है ये नीचे की तरफ नीले या काले आकार का होता है और उसके नीचे एक और पेपर। इसके बाद बच्चों हम ऊपर वाले पत्र पर पेन या पेंसिल की सहायता से जो लिखते चले जाते हैं वे नीचे वाले पत्र पर लिखा जा रहा है। बच्चों कार्बन द्वारा जो हम प्रतिलिपि लेते हैं वह बिल्कुल मूल पत्र की हूबहू कॉपी होती है। ठीक है बच्चों, तो फिर से आप देख लीजिएगा यहां पर हमने प्लेन पेपर रखा, यहां पर हमने कार्बन कॉपी रखी, कार्बन पेपर रखा और यहां पर हमने एक और पेपर रखा। जो भी हम मूल पत्र जो ऊपर वाले पत्र पर हम जो जो लिखेंगे वह कार्बन कागज की सहायता से नीचे वाले पत्र पर अपने आप छपता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हम टाइप यंत्र की सहायता से कैसे हम प्रतिलिपि ले सकते हैं कि हम कार्बन कागज का इस्तेमाल करें और टाइप मशीन का इस्तेमाल करें और हम कॉपीज ले पाए। बच्चों अभी भी हमने पढ़ा कि हम हाथ द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर हमें ज्यादा प्रतिलिपि लेनी है तो हम टाइप मशीन का प्रयोग करते हैं कि हमको अगर एक आध प्रतिलिपि लेनी है तो हम हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा प्रतिलिपि लेनी हो तो हम टाइप मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइप मशीन का फायदा क्या है, ये हिंदी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होता है। ठीक है बच्चों, पर इस तरीके की सहायता से हम 7-8 नकले आसानी से ले सकते हैं। बच्चों अगर हमें टाइप मशीन की सहायता से अगर नकल लेनी हो तो यहाँ पर एक रिबन लगा होता है, यहाँ पर हम मूल पत्र लगाते हैं, उसके नीचे कार्बन पेपर लगाते हैं और उसके बाद उतने पत्र लगा देते हैं जितने पत्रों पर हमें जितने कागजों पर हमें प्रतिलिपि लेनी है। इसके बाद हम टाइप मशीन से जो भी टाइप करते चले जाते हैं वह मूल पत्र के साथ साथ सभी पत्रों पर अपने आप लिखा चला जाता है, अपने आप प्रिंटेड हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम टाइप मशीन और कार्बन कागज द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला तरीका आता है रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों यदि हमें किसी पत्र की अधिक प्रतिलिपि लेनी हो तो हम रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं। बच्चों रोटरी शब्द का जन्म रोटेट शब्द से हुआ, रोटेट का मतलब होता है बच्चों घूमना। यहाँ पर बच्चे देख पा रहे होंगे चित्र में दो बेलन लगे हुए हैं और यहाँ एक हत्ता लगा हुआ है, जैसे हम हत्ते को घुमाते हैं और ये बच्चों बेलन घूमते हैं, ये दोनों बेलन आपस में घूमते हैं और इन बेलनों का प्रयोग बच्चों प्रतिलिपि लेने के लिए किया जाता है। अगर हमें अधिक प्रतिलिपि लेनी हो
लॉटरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों तो देखते हैं कि अभी इस लॉटरी मशीन का प्रयोग पृथ्वी के लिए कैसे कर सकते हैं। बच्चों हमें जिस पृथ्वी प्रतिलिपि लेनी होती है सबसे पहले उसे एक विशेष प्रकार की साइज से लेते हैं, तत्पश्चात इसे मशीन की तख्ती पर रख देते हैं और फिर बच्चों जैसे ही मशीन का हत्था घुमाते हैं वैसे ही कागज एक के बाद मशीन के बीच में लगे दो बेलों के बीच में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि बच्चों यहाँ पे एक तख्ती रखी होती है, यहाँ पर जैसे ही बच्चों भुट्टा घुमाते हैं पत्र एक के बाद ये बेलन के बीच में से निकलने लगते हैं। बच्चों नकल उतारने के लिए एक पत्र बेलन पर लिपटा होता है जिसके संपर्क में आते ही मूल पत्र की प्रतिलिपि दूसरे कागज पर। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही मशीन ये बच्चों इसके बाद मशीन के दूसरी ओर एक ट्रे रखी होती है जिसके ऊपर प्रतिलिपियां छप कर इकट्ठी होती रहती है। बच्चों यह पद्धति उन संस्थाओं के लिए अच्छी है जहां पर प्रतिदिन अनेक पत्रों की प्रतिलिपियां लेनी होती है, वहां पर हम रोटरी मशीन का इस्तेमाल। इसके बाद बच्चों हमारे पास आखिरी तरीका है फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि लेना। बच्चों आज के समय में ये बहुत ही अधिक प्रचलित तरीका है, आपने भी बच्चों कहीं ना कहीं इस फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग जरूर किया होगा। इस मशीन की सहायता से आपने भी कुछ पत्रों की प्रतिलिपि जरूर निकलवाई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हमें अपने पत्रों की स्वच्छ प्रतिलिपि लेनी है और हमें फटाफट कोई प्रतिलिपि निकालनी है तो जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है वह है फोटोस्टेट मशीन। बच्चों इस तरीके से हम बिना कोई भी समय गवाए किसी भी पत्र या चित्र की हूबहू कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। केवल बच्चों मशीन को स्टार्ट करने वाला बटन दबाने और कितनी हमें कॉपी चाहिए उसका बटन दबाने से हम उतनी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, पैसा आप समझ लीजिएगा, इसके ऊपर एक बटन लगा होता है और साथ में एक और बटन होता है जिस पर लिखा होता है कि हमें कितनी कॉपी चाहिए। जैसे ही हम बटन दबाते हैं बच्चों हमें जितनी प्रतिलिपि चाहिए उतनी फटाफट निकलाते हैं, कोई समय वेस्ट नहीं होता और ये जो प्रतिलिपि होती है ये स्वच्छ होती है, स्पष्ट होती है और बिल्कुल मूल पत्र की बिल्कुल हूबहू होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का एक और बच्चों फायदा क्या है कि बच्चों जो भी हम प्रतिलिपि लेते हैं उसके साइज को हम छोटा और बड़ा अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। आज के समय में बच्चों चाहे छोटे कार्यालय हो चाहे बड़े कार्यालय वहां पर बच्चों फोटोस्टेट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य कारण जो भी प्रतिलिपि हम लेते हैं वह बच्चों स्वच्छ होती है, स्पष्ट होती है और मूल पत्र की बिल्कुल हूबहू होती है। इसके साथ साथ बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है प्रतिलिपि लेने। इसके बाद बच्चों हमने सभी मेथड्स के बारे में पढ़ा, सभी पद्धतियों के बारे में पढ़ा, अब ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इन सब में से कौन सी पद्धति अच्छी है, कौन सी विधि का बच्चों हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों जहां तक सर्वश्रेष्ठ विधि की बात है हम किसी भी विधि को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते, कारण क्या है कि इन सभी विधियों के अपने अलग गुण व दोष है। अब कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है ये उस व्यवसाय की आवश्यकता और उस व्यवसाय के वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से यह निर्धारित किया जा सकता है कि हमारे व्यापार में हमारे व्यापारिक कार्यालय में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के दिन से हमने क्या सीखा, प्रतिलिपिकरण का क्या कॉपिंग का क्या, व्यापार से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि को व्यापार में सुरक्षित रखने को हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं, यानी कि व्यापार से बाहर जितने भी पत्र जाते हैं उनकी हम कॉपी को अपने व्यापार में सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम उन प्रतिलिपियों का प्रयोग कर पाए, हम कॉपीज का इस्तेमाल कर पाए, इसी को बच्चों हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा प्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है। बच्चे प्रतिलिपिकरण करने के कई सारे कारण हैं, भविष्य में हमें जब कभी भी आवश्यकता हो तब हम कॉपीज को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर बच्चों
क्रेता या विक्रेता के मध्य मतभेद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो उस समय मूल पत्र की प्रति भी हमारे काम आती है। अगर न्यायालय में आवश्यकता पड़ती है तो भी बच्चों मूल पत्र की प्रतिलिपि हमारे काम आएगी। अगर हम नया पत्र लिखना चाह रहे हैं तो भी पुराने पत्र का हवाला देते हुए हम नया पत्र लिखते हैं। हम जब माल का मिलान करते हैं उस समय हमें पत्र की प्रतिलिपि काम आती है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छी प्रतिलिपिकरण बेटा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए, कम समय लेने वाली होनी चाहिए और व्यापार की गोपनीयता को बनाए रखने वाली चाहिए। इसके बाद बच्चों हमने प्रतिलिपिकरण विभिन्न विधियां जैसे कि हाथ द्वारा प्रतिलिपि, कार्बन द्वारा प्रतिलिपि, फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि, रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि और दाब यंत्र द्वारा हम प्रतिलिपि कैसे लेते हैं, इन सब के बारे में बच्चों जानकारी ली। इसके बाद बच्चों आज का गृह कार्य यानी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है इन सब के बारे में देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है। अगला बच्चों प्रश्न है प्रतिलिपिकरण के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा बच्चों हमारा प्रश्न है एक अच्छी प्रतिलिपिकरण में, एक आदर्श प्रतिलिपिकरण में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगला बच्चों प्रश्न है प्रतिलिपिकरण की कार्बन द्वारा प्रतिलिपि लेने की विधि का वर्णन कीजिए। और आखिरी प्रश्न प्रतिलिपिकरण की फोटोस्टेट मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेने की विधि का वर्णन कीजिए। बच्चों उम्मीद है बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। और डिवाइड में दोनों अनुपातों का योग यानी m प्लस
प्लस एन। तो बच्चों इस तरह से हम पी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के बी पार्ट पर, जो कि है बाह्य विभाजन अर्थात एक्सटर्नल डिवीजन। बच्चों बिंदु ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू कार्तीय तल में स्थित है और बिंदु पी एक्स कॉमा वाई इन ए बी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एम अनुपात एन में बाह्य विभाजन कर रहा है। बच्चों बाह्य विभाजन का मतलब समझिए, जब हमने अंतर विभाजन किया था तो ये बिंदु P इस AB रेखाखंड के ऊपर स्थित था और इस रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित कर रहा था, लेकिन इस कंडीशन में यह बिंदु P रेखाखंड के ऊपर स्थित ना होकर उसके बाहर स्थित है और इस रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, अर्थात AP अनुपात BP M अनुपात N है। तो इस कंडीशन में P के निर्देशांक x, y निकालने की ट्रिक और सूत्र में आपको बता रहा हूं। x बराबर आपको लिखना है पहला अनुपात m और इसका x निर्देशांक, बीच में माइनस का साइन, अंतर विभाजन में प्लस का साइन आता है और बाह्य विभाजन में माइनस का साइन, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अनुपात n और A का x निर्देशांक यानी x1 अपॉन m माइनस n, ठीक। तो ये x निर्देशांक आ गया p बिंदु का। अब p बिंदु का y निर्देशांक, y इज इक्वल टू ap अनुपात क्या था m, तो m और इसका y निर्देशांक यानी y2, बीच में माइनस का साइन, bp अनुपात था n तो यहां n और इसका y निर्देशांक अर्थात a का y निर्देशांक जो कि है y1 अपॉन m माइनस n। तो बच्चों इस सूत्र की सहायता से आप p बिंदु के x और y निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के c पार्ट पर, जो कि है रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चों यहां पर हम बिंदु ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पी एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। बच्चों हम जानते हैं कि बिंदु ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू को मिलाने वाले रेखाखंड को एम अनुपात एन में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक क्या थे, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन तथा y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये सूत्र हम निकाल चुके हैं। अब यदि ये p बिंदु इस AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AP और PB का अनुपात होगा एक अनुपात एक। तो इस कंडीशन में m की जगह भी वन आ जाएगा और n की जगह भी वन आ जाएगा, ठीक। तो इसके हिसाब से हम सूत्र यहां पर निकालेंगे। देखते हैं यदि p x y AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक। तो अब सूत्र में देखिए क्या चेंज आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा m की जगह आ गया वन इंटू एक्स टू प्लस n की जगह भी वन इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n यानी वन प्लस वन, ठीक। तथा इसी प्रकार y में चेंज आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा वन यानी वन इंटू वाई टू प्लस एन की जगह भी वन वन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन यानी वन प्लस वन, ठीक। सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वन का एक्स वन से और वन का एक्स टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन नीचे टू, तथा वाई बराबर आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो
तो बच्चों ये आपके एबी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने थर्ड की पॉइंट के बी पार्ट पर, जो कि है प्रमुख बिंदु तीन पर आधारित प्रश्न, अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की पॉइंट थ्री। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बच्चों यहां पर मैंने ए बिंदु ले लिया -1.7 और बी बिंदु ले लिया 4.-3 और पी बिंदु x, y इस रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमारे पास x1, y1 जो है वो है -1.7 ठीक, और x2, y2 हमारे पास है 4.-3 ठीक। इसके अलावा m बराबर 2 है हमारे पास और n बराबर है 3। तो बच्चों हमने अंतः विभाजन का जो सूत्र किया था उसके अनुसार p बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो देखते हुए x बराबर होता है mx2+nx1/m+n तथा y बराबर होता है my2+ny1/m+। ठीक, अब जो ये सूत्र है इसमें हम ऊपर जो हमें मान है उन मानों को रखते हैं। x बराबर हो गया m, m की जगह आ गया 2, x2 कितना है हमारा 4 प्लस n 3, x1 कितना है -1 अपॉन m+n यानी 2+3 और यहां से y आ गया हमारा my2 यानी 2y2 कितना है -3 प्लस n, n की जगह 3, y1 है हमारा 7 अपॉन m+n यानी 2+3, x बराबर आ गया 2 × 4 = 8 -3/5 तथा y बराबर आ गया -6+3 = 21/5। तो दिस विल गिव यू x बराबर 5/5 जो कि हमारा होता है 1 तथा y बराबर 21-6 = 15/5 जो कि है 3। तो हमारे निर्देशांक x, y क्या आ गए हमारे 1, 3। तो इस तरीके से बच्चों हमने p बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। क्लियर? चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों मैंने ए पॉइंट ले लिया है -3, 10 और बी पॉइंट लिया है 6, 8 और पॉइंट पी हमने लिया है -1, 6। अब ये पी पॉइंट माना इस ए बी रेखाखंड को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है यानी k अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों पहले हम ऑब्जर्वेशन देख लें। यहां पर हमारा x1, y1 क्या है -3, 10 और x2, y2 हमारा है 6, -8 और x, y हमें जो दिया हुआ है वो है -1, 6। इसके अलावा हमने m की जगह हमने ले लिया है k और n अनुपात हमने लिया है 1 क्योंकि हमने k:1 का रेशियो लिया है। ठीक, अब फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला होता है x बराबर mx2+nx1/m+n तथा y बराबर my2+ny1/m। क्लियर? अब वैल्यूज रखते हैं, x की जगह रखेंगे हम -1 = m यानी k, x2 6+n यानी 1, x1 -3/m+n दैट इज k+1 तथा इसी प्रकार इधर रखते हैं y की जगह है 6
बराबर एम यानी के वाई टू की जगह हमारे पास है माइनस एट प्लस एन की जगह हमारा वन वाई वन हमारा है टेन अपॉन एम प्लस एन का मतलब हुआ के प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई किया माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री। दिस इंप्लाइज दैट सबको एक तरफ ले जाते हैं के एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ तो 6k प्लस k मिलकर हो गया 7k इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री यानी टू। तो यहां से हमारा k निकल कर आया टू अपॉन सेवन। अब इसी तरह इस तरफ चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6k प्लस 6 बराबर माइनस 8k प्लस 10 k एक तरफ लेकर आए तो 6k और 8k हो गया आपका 14k और ये इधर चला जाएगा 10 माइनस 6 इज 4 k विल बी 4 अपॉन 14 दैट इज अगेन 2 अपॉन 7 क्लियर। तो इसलिए जो हमारा अनुपात निकल कर आया k इज टू 1 वो निकल कर आया 2 इज टू 7 यानी दिया गया बिंदु p माइनस 1 कॉमा 6 ए बी रेखाखंड को 2 इज टू 7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट पर जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों इसके ए पार्ट में देखते हैं हम सूत्र का निगमन यानी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश हमारे क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष है। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू और सी एक्स थ्री वाई थ्री को मैंने इस कार्तीय तल में दिखाया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों मैंने कुछ रचनाएं की हैं, ध्यान से देखिए। मैंने A से x अक्ष पर AM, B से x अक्ष पर BN और C से x अक्ष पर CL लंब खींचे। इसके बाद आप ध्यान से देखिए चित्र को, आपको समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला समलंब चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है AMLC, दूसरा समलंब चतुर्भुज है CLND और तीसरा समलंब चतुर्भुज है ए एम एन बी। अब मुझे जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने क्या किया, समलंब चतुर्भुज ए एम एल सी का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज सी एल एन बी का क्षेत्रफल और इसमें से मैंने माइनस कर दिया समलंब चतुर्भुज ए एम एन बी का क्षेत्रफल और यही मैंने इस सूत्र में लिखा है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज AMLC में 1/2 समांतर भुजाएं AM प्लस CL और इनटू बीच की दूरी ML प्लस CLMD में देखते हैं 1/2 समांतर भुजाएं CL प्लस BN और उनके बीच की दूरी ln और अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज AMNB में समांतर भुजाओं का योग यानी AM प्लस BN और उनके बीच की दूरी MN। क्लियर है यहां तक की बात। अब चलते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने 1/2 कॉमन ले लिया सब में से और अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं AM प्लस CL AM Y1 और CL Y3 Y1 प्लस Y3 into ML, ML निकालना है तो ON माइनस ON करेंगे यानी X3 माइनस X1 प्लस CL प्लस BN Y3 प्लस Y2 into LN, LN करना है तो ON माइनस OL यानी X2 माइनस X3 माइनस AM प्लस BN यानी Y1 प्लस वाई टू इंटू इनके बीच की दूरी एम एन, एम एन निकालना है तो ओ एन माइनस ओ एन यानी एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा से दिखा देना हूं यहां पे डेल्टा
y1 + y3 या मल्टीप्लाई कर रहा हूं देखिए y1 x3 - y1 x1 + y3 x3 - y3 x1 ठीक है, ये पहला ब्रैकेट हो गया मेरा। अब y3 x2 - y3 x3 + y2 x2 - y2 x3 क्लियर माइनस। अब यहां मल्टीप्लाई y1 x2 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मैं ब्रैकेट इसका सीधे ही खोल देता हूं तो ये हो जाएगा y1 x1 ठीक है, और इधर हो गया y2 x2 - y2 x2 और प्लस का y2 x1। अब मैं ऐसे टर्म्स को कैंसिल आउट करूंगा जो मान के बराबर है लेकिन उनके जो साइन है वो डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले देखिए x1 y1 यहां दिखाई दे रहा है आपको और x1 y1 यहां, ये हमने कट कर दिया ठीक। इसके बाद y3 x3 देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है और यहां भी y3 x3 प्लस का है या माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए ठीक। फिर देखिए ध्यान से y2 x, इसके बाद y2 x2 यहां पर है ये और ये कैंसिल आउट हो गए क्लियर। अब और कुछ कैंसिल आउट होता है देखते हैं y2 x1 y3 x2, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब मेरे पास कितने टर्म बचे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 टर्म में देखिए कुछ कॉमन लूंगा। सबसे पहले मैं x1 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं तो x1 का कोफिशिएंट यहां से माइनस का y3 है और x1 का यहां से है y2, तो मैंने लिख दिया y2 - y3 क्लियर हो गया। प्लस x2 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं, x2 पे देखिए यहां से कितना है y3 और x2 का यहां से है y1, ये हो गया y3 - y1 क्लियर हो गया। अब मैं x3 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर रहा हूं, x3 यहां से है y1 और x3 आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए ये रहा यहां से है y1। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला निकल कर आ गया यही आपका अभीष्ट त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसके आगे हम लिखेंगे इतने वर्ग मात्र। एक बात बच्चों और आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। यदि किसी कारणवश कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे लेने पर आपका त्रिभुज का एरिया ऋणात्मक आए तो भी आपको उत्तर में उसे फिर धनात्मक करके लिखना है। तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मिल गया क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट के बी पार्ट पर जो कि है क्षेत्रफल के आधार पर तीन बिंदुओं के संलग्न होने का प्रतिबंध अर्थात कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बच्चों हम ये जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक a(x1, y1) b(x2, y2) तथा c(x3, y3) हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब यदि ये तीन बिंदु a b और c संरेख हैं तो इस कंडीशन में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा क्योंकि संरेख बिंदुओं से त्रिभुज निर्मित नहीं हो सकता। तो हम उसके अनुसार प्रतिबंध कैसे निकालेंगे देखते हैं। यदि a(x1, y1) b(x2, y2) तथा c(x3, y3) संरेख हो तब इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया शून्य और इसका अर्थ हुआ 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2
का मान जीरो और ये वन बाई टू जीरो के नीचे जाएगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो यहाँ आ गया एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू बराबर जीरो। और ये है ए एक्स वन कॉमा वाई वन बी एक्स टू कॉमा वाई टू और सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री के संलेप होने का प्रतिबंध है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर। चलिए अब चलते हैं फोर्थ की पॉइंट के सी पॉइंट पर जो कि यह प्रमुख बिंदु चार पर आधारित प्रश्न अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन की पॉइंट फोर। पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों में निर्देशांक ए वन कॉमा वन बी माइनस वन कॉमा फोर तथा सी थ्री कॉमा टू है। तो बच्चों हम जानते हैं यदि ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। तो ये सूत्र हम पहले लिख देंगे। अब दिए हुए शीर्षों से इसको हल करेंगे। शीर्ष है हमारे ए वन कॉमा वन बी माइनस वन कॉमा फोर तथा सी है हमारा थ्री कॉमा टू। वैल्यू पुट करते हैं क्षेत्रफल होगा वन बाई टू एक्स वन यानी वन y2 minus y3 यानी 4 minus 2 plus x2 minus 1 y3 minus y1 यानी 2 minus 1 plus x3 यानी 3 y1 minus y2 1 minus 4। वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम एरिया निकाल रहे हैं 1 into 2 plus minus 1 into 1 प्लस थ्री इंटू माइनस सॉल्व कर रहे हैं वन बाई टू टू माइनस वन माइनस इसको सॉल्व किया तो आया वन बाई टू इंटू माइनस एट दैट इज माइनस फोर। लेकिन बच्चों आपको ये मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होता तो इसे धनात्मक यानी पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो एरिया होगा हमारा चार वर्ग। इस प्रकार बच्चों तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6.4 बी 4.5 तथा सी 2.6 संलेप है। बच्चों हल करते समय हम देखते हैं हमें मालूम है यदि ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब दिए हुए शीर्ष हैं a 6.4 b 4.5 तथा c 2.6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1 by 2 x1 यानी 6 y2 minus y3 5 minus 6 प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन यानी सिक्स माइनस फोर प्लस एक्स थ्री टू वाई वन माइनस वाई टू फोर माइनस सॉल्व करते आगे वन बाई टू सिक्स इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू टू प्लस टू इंटू सॉल्व करा वन बाई टू माइनस सिक्स प्लस एट माइनस टू। और देखिए ये वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 बाई टू इंटू जीरो दैट इज जीरो। अब चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य आ गया तो इसका अर्थ हुआ कि ए बी और सी बिंदु संलेप है। क्लियर बच्चों। इस प्रकार अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सभी तथ्य मैंने आपको भाग एक तथा भाग दो के माध्यम से समझा दिए हैं। बच्चों भाग दो में पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न अर्थात प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको हल करना है। इसके अलावा बच्चों आप सभी दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद बच्चों। Hey.
मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की।